तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ नाइट केयर रूटीन। सो मैं यहाँ पे एक फेस पैक लगा रही हूँ जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज अभी मैं पहले अपना हेयर टाई कर लेती हूँ और मेरे फेस पे मेकअप भी था, जस्ट अ लाइट मेकअप। सो पहले अपना हेयर को अच्छे तरीके से टाई कर लेती हूँ ताकि वो जब आप फेस पैक या कुछ भी करो तो वो डिस्टर्ब ना हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल से मैं हमेशा अपने मेकअप को क्लीन करती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा से क्लीन होता है, ऐसा फील होता है, तो इसलिए मैं हमेशा कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। तो मैंने अपने फेस पे कोकोनट ऑयल लगा लिया अच्छे तरीके से, आईज़ पे भी, क्योंकि यहाँ पे काजल थे यानी शेडो थे, तो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से लगा रही हूँ उसे। और ये अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है, नहीं तो फिर वो क्या होते हैं ना, अगर आप ऐसे रब नहीं करोगे हल्का, तो वो ना काजल जो रहते हैं वो आईज़ पे रह जाते हैं, फिर जब सुबह उठते हैं ना तो वो दिखते हैं लाइक स्मच टाइप का, वो दिखते हैं, वो बहुत गंदा लगता है। इसलिए मैं ऐसा अच्छे से साफ कर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर लिया, साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे क्लींजिंग कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लींजिंग लिया और अच्छे से एटलीस्ट 2-3 मिनट अच्छे से फेस को क्लीन करना है, क्योंकि जितने भी ऑयल वगैरह हो डर्ट्स हो वो क्लीन हो जाते हैं अच्छे से, अगर 2-3 मिनट करोगे तो, जल्दी जल्दी में होता नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक हैंकी लिया, सॉफ्ट हैंकी है, उसको मैंने वॉर्म टॉवल किया था, लाइक थोड़ा से गर्म पानी करके मैंने उसको वहाँ पे डीप किया, उसके बाद मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। क्या है, क्योंकि ऑयल भी है और मेकअप भी था तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट हैंकी है, अच्छे से क्लीन हो जाता है फेस पे, ज़रा सा भी ऑयल और क्लींजिंग डर्ट्स कुछ भी नहीं रहते, अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। फेस को हमेशा हल्के चीज़ों से ही साफ़ करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी फेस पैक। तो मैंने यहाँ पे लिया है बेसन। बेसन के बाद मैंने यहाँ पे लिया 1 स्पून हनी, 1 स्पून बेसन एंड 1 स्पून हनी लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका पेस्ट बना के मैंने एलोवेरा जेल डाला और ये बिल्कुल फाइन से एक पैक बन गया और मैंने यहाँ पे फेस पे लगा लिया अच्छे तरीके से। और ये सच में इतना अच्छा फेस पैक था ना, लाइक काइंड ऑफ लाइक योर यू नो लाइक, अगर आपको लाइक थोड़ा सा डार्क या और इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाना है। और मैंने यहाँ पे फेस नेक दोनों पे अच्छे तरीके से लगा लिया, स्मूथली ये फेस पैक अच्छे से लग गया। और ये एटलीस्ट आपको 20-25 मिनट्स रखना है ताकि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। एंड ये बेसिकली आपको एक टाइटनिंग, स्किन टाइटनिंग में बहुत अच्छा वर्क करेगा। आप देख रहे हो ये पूरा आधे घंटे के बाद, ये ड्राई होने के बाद इस तरह से दिख रहा है और पूरे स्किन अच्छी तरह से ना खींच रहा था, तो इट्स मीन्स इट विल वर्क ऑन फॉर द एंटी एजिंग ऑल्सो। तो ये आफ्टर मैंने वॉश करने के बाद इतने अच्छे क्लीन हो गए। और उसके बाद मैं यहाँ पर टोनिंग कर रही हूँ फेस को, नॉर्मल प्लेन वाटर से वॉश करना है पैक को, उसके बाद मैं यहाँ पे टोनिंग कर रही हूँ। टोनिंग आपको थोड़ा सा स्किन पे एब्जॉर्ब करे तो आपको अच्छे से थोड़ा मिक्स करना है, पूरे फेस पे अच्छे से ड्राई हो गया है। अभी मैं यहाँ पे लगाऊंगी लॉरियल पेरिस का फेस सीरम जो है, तो ये सीरम लगाऊंगी। लगाने के बाद इसे अच्छे से आपको 2 मिनट तक मसाज करने हैं। आप पूरे लाइक जस्ट फिंगर से आप कर सकते हो, क्योंकि पूरे हाथ यूज़ करोगे ना तो फिर क्या होगा ना, पूरा सीरम आ जाएगा हाथ पे। तो इस तरह से आपको पूरे अच्छे से यूज़ करने हैं। उसके बाद मैं सेम लॉरियल का जो एक और परफेक्ट, जो पहले वाइट परफेक्ट था, उसका मैं यहाँ पर नाइट क्रीम लगा ले रही हूँ।
और ये डेली करती हूँ मैं। कोई भी काम आप अगर एवरीडे करते हो सो इट्स वर्क ऑन दैट। सीरियसली अगर आप कोई भी काम सिर्फ देखने से बोलने से नहीं होता है, करना पड़ता है, सो वो वर्क करता है चाहे वो आप कुछ भी करो। तो नाइट केयर बेसिकली क्या होता है, अगर आप करते हो ना तो आपके फेस जब आप सुबह में उठोगे तो आप देखोगे कितना स्मूथ शाइनिंग और अच्छा दिखते हैं। सो मेरा यहाँ पे नाइट केयर हो गया है, जस्ट अ स्मॉल वीडियो मैंने शेयर किया आप लोग के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।